దేశంలోనే అత్యంత అవినీతి పరులైన ముఖ్యమంత్రులు అసోం సీఎం హిమంత ఒకరిని ఆరోపించారు కాంగ్రెస్ అధినేత రాహుల్ గాంధీ అసోంలో భారత్ న్యాయ యాత్ర చేస్తున్న రాహుల్ రాష్ట్రంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా నిరుద్యోగం అవినీతి ధరల పెరుగుదలే కనిపిస్తోందన్నారు అసోంలో ఒక్క యువకుడికి కూడా ఉద్యోగం ఇవ్వలేదన్నారు తన యాత్రకు అడ్డంకులు కలిగించాలని బీజేపీ ప్రయత్నిస్తోంది ఎంత ఇబ్బంది పెడితే తనకు అంత మంచిదని అన్నారు రాహుల్ గాంధీ एक्चुअली ये जो असम के चीफ मिनिस्टर यात्रा के अगेंस्ट कर रहे हैं सबसे पहले इससे यात्रा का फायदा हो रहा है जो पब्लिसिटी हमें शायद नहीं मिलती वो असम के चीफ मिनिस्टर और शायद उनके पीछे अमित शाह हमारी मदद कर रहे हैं तो उससे तो हमारा फायदा ही फायदा है और मेन इशू आज असम में यात्रा बन गया है ठीक है अब जहां तक मंदिर में जाने का रोकना कॉलेज में जाने से रोकना अब यहां पे पदयात्रा रुकवानी ये तो इनकी स्टाइल है इंटिमिडेशन टैक्टिक्स है हम इंटिमिडेट नहीं होते इन लोगों से इनसे डरते नहीं हैं तो हमारा तो फायदा है हमारा जो मैसेज है न्याय का मैसेज है वो तो जा रहा है गाँव में जा रहा है क्योंकि जनता अपने आप से पूछ रही है कि भैया ये हो क्या रहा है राहुल जी मंदिर जाना चाहते हैं उनको क्यों रोक रहे हैं is one of the most corrupt chief ministers in the country second whenever I'm moving around the state pretty much everybody is saying to me massive unemployment massive corruption massive price rise farmers are struggling no youngster can get a job in this state so that is the situation and that's what we are raising and we are being very successful at it in fact he's helping us and I'm very glad he's doing it and he should do more The more he does, the better it is for us. मुझे लगता है कि बीजेपी का पिछले यात्रा का एक्सपीरियंस था कि वो यात्रा शुरू हुई कन्याकुमारी में पहले उन्होंने कहा कि ये तो मतलब इसका कुछ असर नहीं पड़ेगा और आस्ते 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 उसका असर बढ़ता गया और इवेंचुअली वो क्रेसेंडो बना जम्मू कश्मीर में जाके अब इनकी थिंकिंग है कि इसको पहले ही डिसरप्ट करो मगर प्रॉब्लम क्या है कि जब वो यात्रा को डिसरप्ट करते हैं वो यात्रा की मदद करते हैं तो मैं तो चाहता हूं फ्रेंकली मैं आपको बोलूं मैं तो चाहता हूं कि यात्रा को डिसरप्ट करें कि हमें मतलब कॉलेजेस में जाने से रोकें मैं कॉलेज में जाने से रोका पूरा कॉलेज भरा गया आपने देखा पूरा कॉलेज भरा गया हर स्टूडेंट ने मेरा वहाँ पर भाषण देखा तो अगर हम कॉलेज में करते वो कॉलेज के अंदर होता इन्होंने डिसरप्ट किया हमने बाहर किया वो पूरे मतलब देश में चला गया तो मैं तो बहुत खुश हूँ जितना करना है करिए मजा आ रहा है